तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम कानपुर यूनिवर्सिटी टाइम टेबल के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए कानपुर यूनिवर्सिटी यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की टाइम टेबल यानी कि जो बीए बीएससी बीकॉम की टाइम टेबल स्कीम है वो कब आएगी, कब तक आएगी। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे तो सबका रिप्लाई देना इम्पॉसिबल था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। तो आज की इस वीडियो हम इसी के बारे में जानेंगे कि बीए बीएससी बीकॉम टाइम टेबल के बारे में, ठीक है। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं कानपुर यूनिवर्सिटी की साइड पर फाइनली आ चुका हूँ, ठीक है। मैं अपडेट डेली देखता हूँ कोई सारी जितनी भी यूनिवर्सिटी के मुझे नॉलेज है, ठीक है, जो भी अपडेट होती है मैं सभी यूनिवर्सिटी का डेली चेक करता हूँ। तो मैं कानपुर यूनिवर्सिटी का भी चेक कर लिया है और आपके सामने कानपुर यूनिवर्सिटी की लाइव वेबसाइट खोली है, यहीं पर एग्ज़ाम टाइम टेबल या कोई भी अपडेट रिजल्ट है सब यहीं पर आता है। तो आप लोग देख सकते हैं इधर लिखा है यहाँ पर एक्टिविटी, ठीक है, आप देख लीजिए खुद ही, मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्टिविटी लिखा है, ठीक है। कोई भी अगर अपडेट आता है तो इस एक्टिविटी में डाल दिया जाता है नीचे, ठीक है। तो ये देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है, फिलहाल देख लीजिएगा आप, वेबसाइट ओपन करिएगा, लेकिन जो जिसकी हम बात करने वाली हैं, ठीक है, उसकी कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं है और इम्पॉर्टेंट लिंक है इधर भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब हम आप लोगों को डायरेक्ट लाते हैं मेन जो भी एग्ज़ाम का टाइम शेड्यूल है, ठीक है। तो आप यहाँ साइड में देखेंगे एक ऑप्शन होगा जहाँ पर लिखा होगा एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है, आप देख लीजिएगा खुद ही से, आप वेबसाइट ओपन करिएगा, यहाँ पर लिखा है एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है, ये तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है फाइनली, ठीक है। उसके बाद एक पीडीएफ ओपन होगा, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे ओपन होगा पीडीएफ। तो आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे एकेडमिक कैलेंडर पर, ठीक है, उसके सामने आप लोगों को ऐसा कुछ ओपन होके मिलेगा, ठीक है, एकेडमिक कैलेंडर। तो आप लोगों को 2019-20 देखना, क्योंकि 2020-19 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों स्कीम तो आप देख ही लीजिएगा, साथ साथ आप तैयारी भी करिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मार्केट से क्वेश्चन बैक नहीं खरीदा है तो प्लीज़ जाके खरीद लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो नज़दीक एकदम आ ही चुके हैं, अब एग्ज़ाम आप लोगों के होने ही वाले हैं। तो तैयारी ज़ोरों तोड़ों से आप लोग करिए जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स मिले, ठीक है। तो एनुअल पे आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि वार्षिक आप लोगों को एग्ज़ाम होगा, एनुअल मतलब वार्षिक, ठीक है, और सेमेस्टर आप समझ ही गए जो 6 मंथ पे होता है। तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। अब डाउनलोड होके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे ये ओपन होता है, ठीक है, ये फाइनली ओपन हो चुका है। तो ये छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा विश्वविद्यालय के शैक्षिक पत्र 2019-20 है, तो वार्षिक परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षा के बारे में बताया गया है इसमें। तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानने की कोशिश कर रहे थे, फिलहाल मैंने इसके लिए एक वीडियो और बनाई थी, लेकिन अब आप में से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे तो बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने वीडियो बनाने की कोशिश भी की। तो आप यहाँ पढ़िए, ठीक है, 10 नंबर पे सत्र 2019-20 की संस्थागत भूतपूर्व वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि 5 मार्च 2020, ठीक है। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि जो आप लोगों के बीए बीएससी बीकॉम के एग्ज़ाम है वो 5 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो 5 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो आप देख ही लीजिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अब कमेंट कर रहे होंगे कि सर वो स्कीम कब आएगी, यानी कि जिसमें हिंदी का लिखा होता है कि हिंदी को 5 तारीख को है, 5 मार्च को, और हिंदी सेकेंड का 7 मार्च को है, ये वाली टाइम टेबल, इंग्लिश की इस डेट को इस टाइम पे। तो दोस्तों वो वाली अभी स्कीम नहीं आई है, वो वाली टाइम टेबल अभी नहीं आई है। मैं वेबसाइट को डेली चेक करता हूँ, फिलहाल जैसे भी आएगी मैं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन करूँगा, ठीक है। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ये मत सोचिएगा कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं करेगा, जैसे भी अपडेट आता है मैं तुरंत आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। आप उसमें देख लीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम, आपका टाइम क्या है, टेबल क्या है, आपका किस डेट को है, कब एग्ज़ाम है, पूरी जानकारी आपको उसमें एक्यूरेट मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी इस कानपुर यूनिवर्सिटी की नहीं आई है और अवध यूनिवर्सिटी की आ चुकी है, मैंने उसके लिए वीडियो बनाई। जो भी अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या उनके फ्रेंड हैं या कोई भी आप लोगों के रिलेशन में, तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो अवध यूनिवर्सिटी की तो आ चुकी है, उसमें जो एग्ज़ाम स्टार्ट है वो 15 फरवरी से ही स्टार्ट है, ठीक है, 15 फरवरी से स्टार्ट है एग्ज़ाम।
उसमें पूरा टाइम टेबल आ चुका है किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम है। और हाँ, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यानी जौनपुर यूनिवर्सिटी की भी ऐसे ही आ चुका है, उसमें भी पूरी डिटेल दी गई है। बस अभी कानपुर यूनिवर्सिटी का नहीं आया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम होगी यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे भी आ जाएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। तो यही जानकारी थी देनी थी, इसलिए वीडियो बनाई। और हाँ, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आता है, जैसे भी स्कीम आती है, तो मैं आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करूँ नोटिफिकेशन, तब आप तक वो पहुंच सके। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की 100% कोशिश करते हैं। और अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। आपको मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये PDF जिन स्टूडेंट को डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूनिवर्सिटी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, एक मैंने नया चैनल ओपन किया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल का नाम है हिंदी न्यूज़। प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब आप लोग करिए, सपोर्ट करिए, जिससे उस पर भी आप लोगों को अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती रहे। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।